हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शाइन विद बबीता। आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों का फेवरेट पास्ता, जो कि बच्चों को बहुत पसंद होता है। बच्चे इसको एकदम चट कर जाते हैं और बड़ों को भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड, इसको बनाने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए कितना अच्छा बना है हमारा, ये बिल्कुल इसमें हमारा मार्केट जैसा टेस्ट आता है। जैसा आप रेस्टोरेंट में खाते हैं पास्ता, उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा आपका टेस्ट इसमें आएगा जो आप घर पे बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, और ये बहुत जल्दी बन जाता है, 5-7 मिनट में आपका बन के तैयार हो जाएगा, बिल्कुल इंस्टेंट आपका है ये। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम एक भिगोने में पानी को गर्म होने के लिए रख देंगे, और जब पानी में उबाल आ जाएगा, देखिए पानी हमारे उबाल आ गया है, अब हम उसमें ये पास्ता डाल देंगे। ये देखिए, इसमें हम 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे ताकि हमारा जो ये पास्ता है वो आपस में चिपके ना। ये देखिए हमने उसमें ऑयल डाल दिया है, अब हम इसको चला देंगे और गैस को हम थोड़ा स्लो कर देंगे ताकि धीरे धीरे हमारा ये अच्छे से उबल जाए। ये देखिए गैस को हमने स्लो कर दिया है और अब हम इसको धीरे धीरे उबलने देंगे। लगभग 5 से 7 मिनट में ही आपका ये पास्ता उबल कर तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम इसको छोंकेंगे। हमारा पास्ता हो गया है, अब हम इस गैस को ऑफ कर देंगे और इसको हम एक छलनी में छान लेंगे। ये देखिए हमने इस तरह की छलनी ली है और उसमें हम इसको इसका पानी निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पास्ता अच्छे से हमने छान लिया है। ये देखिए अब हम इसको 2 मिनट के लिए रख देंगे ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए, उसके बाद हम इसको छोंकेंगे। इनको छोंकने के लिए हमें सामग्री चाहिए, ये है वाइट विनेगर, मैंने एप्पल का लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। ये है सोया सॉस, 2 मीडियम कटी हुई प्याज, इसको मैंने लंबा लंबा काटा है, थोड़ी सी पत्ता गोभी, 1 मीडियम साइज की शिमला मिर्च जो मैंने लंबी लंबी काटी है, छोटी सी गाजर वो भी मैंने बहुत बारीक बारीक काटी है। अब हम इसको छोंकना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने मसाले के रूप में पास्ता मसाला मिलता है मार्केट में, ये मैंने स्मिथ एंड जोन्स का लिया है, आप जो चाहे ले सकते हैं, ये रेडीमेड आता है और इजीली मार्केट में मिल जाता है, आपको इसमें इसके मसाले के अलावा कुछ नहीं डालना है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने गैस पे कढ़ाई रखकर उसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। जितना भी हमारा नूडल्स हुआ, चाहे हमारा चाउमीन है, चाहे हमारा पास्ता है, जितनी भी चीजें हम बनाते हैं ये हमें हाई फ्लेम पे बनानी होती है, क्योंकि हमें हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से सोते करना होता है। तो आप अपने गैस का जो फ्लेम है उसको स्लो मत करिए, उसको आप हाई रखेंगे। देखिए मैंने अपना हाई रखा है पूरा, तो इसको आप कम नहीं करेंगे, इसको आप ऐसे ही इसी के ऊपर भूनेंगे। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है, क्योंकि जो हमारा जितना भी आइटम, ये चाइनीज आइटम होता है, सब हमारा मतलब हाई फ्लेम पे पकाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें डालेंगे, पहले तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे, उसके बाद ही हम इसको इसमें प्याज डालेंगे। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है, सबसे पहले इसमें हम डालेंगे ये कटी हुई प्याज, इसको हम सौते करेंगे। इसको हमें ब्राउन नहीं करना है, हमें केवल इसे सौते करना है। 30 से 40 सेकेंड हमें इसको इस तरह से बस सौते करना है। अब हम इसमें डाल देंगे ये कटी हुई शिमला मिर्च, हमने गैस को हाई फ्लेम पर रखा है, ये पत्ता गोभी
कटी हुई गाजर, और इनको हमें अच्छे से, ये देखिए इस तरह से आपको पलटना है बार बार, ये देखिए इस तरह से। हमने बिल्कुल इनको गलाना नहीं है, हमें बस ये हल्की सी इसको हल्का सा फ्राई करना है। ये देखिए सब्जियों को अच्छे से गलाना नहीं है, इसलिए हम इसको बस हल्के से फ्राई करेंगे। ये देखिए इसको हमें मुश्किल से 1 मिनट के लिए इसको हल्का सा इसमें वो करना है, सौते करना है। ये देखिए क्योंकि इसमें हल्की सी सब्जियां कच्ची अच्छी लगती हैं, बिल्कुल पका देंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा। ये देखिए अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच सोया सॉस। ये देखिए एक चम्मच में इसमें डालूंगी विनेगर, अब मैं इसको चला दूंगी अच्छे से। अब मैं इसमें डालूंगी ये पास्ता मसाला, ये देखिए और अब मैं इसमें मिला दूंगी पास्ता। ये देखिए अब हम इसको हाई फ्लेम पर इस तरह से, ये देखिए फ्रेंड्स इसको हम सॉटे करेंगे अच्छे से। ये देखिए इसको आपने हाई फ्लेम पर ही इसको बार बार इसको ऐसे पकाना है ताकि हमारा अच्छे से ये पक जाए। ये देखिए मैंने गैस को स्लो नहीं किया है, ये देखिए कितना अच्छा हमारा। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल टीस्पून ये टमाटो सॉस, ये वैसे ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मत डालिए, लेकिन मैं थोड़ा सा इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें 1 चम्मच सोया सॉस भी, सॉरी टमाटो सॉस भी ऐड करूंगी। अब मैं इसको चलाऊंगी, और हमारा पास्ता बनके रेडी हो गया है। ये देखिए अब आप इसको गर्मा गर्म परोसिए और खाइए और खिलाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ।